वैदिक पांचांग के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि की शुरुआत 16 अप्रैल 2024 की दोपहर 1:23 से अगले दिन 17 अप्रैल दोपहर 3:14 तक रहेगी। इस तरह से रामनवमी 17 अप्रैल को मनाई जा रही है। चैत्र नवरात्र का त्यौहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की विशेष पूजा का विधान है। इसके साथ ही व्रत भी रखा जाता है। नवरात्र के आखिरी दिन कन्या पूजन और हवन किया जाता है। कहते हैं जो लोग नवरात्रि की नवमी पर व्रत पूजन करते हैं उन्हें 9 दिन की पूजा के समान फल प्राप्त हो जाता है। महानवमी के दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। माँ सिद्धिदात्री भगवान विष्णु की प्रिय लक्ष्मी की तरह कमल पर विराजमान हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ सिद्धिदात्री के हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र भी है। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी एक रूप है। भगवान शिव ने भी देवी सिद्धिदात्री के कृपा से ही सभी सिद्धियाँ प्राप्त की थीं। माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा ऋषियों, यक्षों, देवताओं, राक्षसों, साधकों, किन्नरों और गृहस्थ आश्रमों में रहने वाले भक्त करते हैं। आइए अब जान लेते हैं माँ सिद्धिदात्री के पूजा विधि के बारे में। सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। माँ की मूर्ति को स्नान कराएं और उन्हें वस्त्र अर्पित करें। सिंदूर, अक्षत, फूल माला, फल मिठाई आदि चढ़ाएं। माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाएं और कमल का फूल चढ़ाएं। इसके बाद माँ सिद्धिदात्री की आरती करें। इसके अलावा नवमी पर कन्या पूजन और हवन करने का भी विशेष विधान है। इसलिए पूजा के बाद हवन कर कन्या पूजन करें और उसके बाद प्रसाद ग्रहण कर अपना व्रत खोलें। धार्मिक मान्यता है कि हवन करने से नवग्रह शांत होते हैं और माँ दुर्गा प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती हैं। इसके साथ ही उस दौरान मंत्रोच्चारण से वो खुश होते हैं और व्रती की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।